अमेठी से दूर रहकर भी क्यों चर्चा में है राहुल गांधी, कांग्रेस नहीं स्मृति ईरानी की है ये खास रणनीति। आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज, ये न्यूज चैनल नहीं आपकी आवाज है, आवाज ऐसी जिसे ना कोई दबा सकता है ना झुका सकता है, हम करते हैं सबको खबरदार। राहुल गांधी अमेठी से चुनाव हारे, अभी नया राजनीतिक ठिकाना वायनाड है। इस बीच अमेठी से उनका जुड़ाव करीब कट सा गया है। 20 फरवरी को यहां पहुंची उनके भारत जोड़ो न्याय यात्रा में भी ना उल्लास नजर आया था और ना ही कांग्रेस नेताओं में उत्साह। संसदीय चुनाव की रंगत के बीच जब भाजपा ने स्मृति ईरानी को मैदान में उतार मोर्चेबंदी शुरू कर दी है, तो वहीं कांग्रेस में प्रत्याशी पर ही मंथन चल रहा है। हालांकि अमेठी में पांचवें चरण में 26 अप्रैल से नामांकन की शुरुआत होने वाली है, 3 मई नामांकन की अंतिम तिथि है और 20 मई को मतदान। इन सब के बीच अमेठी से दूर रहते हुए भी बीते 15 दिनों से राहुल गांधी फिर से चर्चा में हैं। ये कांग्रेस की पहल नहीं बल्कि भाजपा प्रत्याशी स्मृति ईरानी की रणनीति का ही प्रतिफल है। असल में 2019 में राहुल गांधी अमेठी के साथ ही केरल के वायनाड से भी चुनाव लड़े। अमेठी से भाजपा प्रत्याशी स्मृति ईरानी से करारी हार मिली, वहीं वायनाड से जीतकर वह संसद पहुंची। इस बार भी अभी तक राहुल वायनाड से ही मैदान में हैं। उनके अमेठी से चुनाव लड़ने पर संशय बरकरार है। यहां से कभी प्रियंका गांधी तो कभी रॉबर्ट वाड्रा के नाम की चर्चा हो रही है। समीकरण साधने के लिए स्थानीय प्रत्याशी पर भी मंथन चल रहा है। इस सबके बीच कांग्रेस कुछ भी खुलकर बोलने को राजी नहीं है। पार्टी का मौन कार्यकर्ताओं की दुविधा बढ़ाने वाला है। अब राजनीति के दूसरे पहलू को देखते हुए बिना राहुल भले ही कांग्रेस मौन है, लेकिन भाजपा प्रत्याशी स्मृति ईरानी की सक्रियता ने चाहे अनचाहे राहुल को फिर से चुनावी केंद्र में ला दिया है। असल में स्मृति ने अपने हर सभा में राहुल को निशाने पर लेकर आरोप मढ़कर भगोड़ा बताकर और गांधी परिवार पर तोहमत मढ़कर आमजन को राहुल रूपी सवाल सौंप दिया है। उनके इस कदम ने कहीं ना कहीं अमेठी में राहुल पर नई बहस शुरू कर दी है। ये बहस किस मोड़ पर जाती है इसका अंदाजा अभी लगाना थोड़ी जल्दबाजी होगी, लेकिन चुनावी सवर में जो मैदान कांग्रेस प्रत्याशी के बिन सूना था, वे अब राहुल के नाम से रोमांचित जरूर करने लगा है। हमलावर स्मृति, 26 अप्रैल के बाद राहुल गांधी फिर अमेठी आएंगे। अभी तक वायनाड को अपना परिवार कहने वाले राहुल अमेठी को अपना परिवार बताएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने सपनों का घर बना रहे हैं, एपी कंस्ट्रक्शन सॉल्यूशंस आपके लिए तैयार है। मजबूत सिविल इंजीनियरिंग से लेकर आकर्षक वास्तुकला और विशेषज्ञ वास्तु परामर्श तक हम आपके सपने को साकार करते हैं। वास्तुकला, वास्तु और हुनर इतने बढ़िया, दिए गए नंबर पर कॉल करें और अपने घर के डिजाइन को चमकाएं। प्लीज विजिट द माउंटेन कैफे एंड बेकरी फॉर फास्ट फूड नियर बाय सुहागी बाईपास।